जैसे जैसे उत्तराखंड में मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, उत्तराखंड का सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए कांग्रेस जी तोड़ मेहनत कर रही है। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस के पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक बार फिर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। हरीश रावत ने बीजेपी पर पलायन से लेकर अवैध खनन तक का आरोप लगाया है। क्या कुछ कहा है हरीश रावत ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के सियासी मैदान में कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेताओं को उतार दिया है। कांग्रेस के दिग्गजों में हरीश रावत भी शामिल हैं, जो लगातार बीजेपी पर निशाना साधते आ रहे हैं। और एक बार फिर हरीश रावत ने बीजेपी पर उत्तराखंड को अवैध खनन का हब बनाने के संगीन आरोप लगाए हैं। हरीश रावत ने कहा है कि बीजेपी की सरकार ने गैरसैंण में टाउनशिप के नोटिफिकेशन को भी रद्द कर दिया और जमीनें खरीद डाली। वहां केवल अपने खरीदने के लिए नोटिफिकेशन रद्द कर दिया। अब बताएं टाउनशिप कैसे बनेगी वहां? बीजेपी ने पूरे उत्तराखंड को अवैध खनन का हब बना दिया है। हम वादा करते हैं कि ऐसा भू कानून लेकर आएंगे जो हमारी धरोहर की रक्षा करेगा, जिसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। इसके अलावा हम चकबंदी का कानून भी लागू करेंगे। वहीं प्रदेश में पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर भी हरीश रावत ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति चरमरा गई है। उन्होंने पलायन रोकने के नाम पर पलायन आयोग का गठन किया। कुछ दिन ये आयोग पहाड़ में रहा, लेकिन बाद में पलायन आयोग ने सारे स्टाफ के साथ देहरादून में पलायन कर दिया। जब पलायन आयोग भी पहाड़ों में नहीं रहना चाहता है तो औरों से क्या उम्मीद करें? इन्होंने कितना गलत उदाहरण पेश किया। चुनाव आते ही बयानबाजी तो तेज हो ही जाती है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि उत्तराखंड को 5 साल के कार्यकाल में 3-3 मुख्यमंत्री देने वाली बीजेपी क्या दोबारा सत्ता में आएगी, या फिर पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की तिकड़ी की बदौलत कांग्रेस वापसी करते हुए एक बार फिर उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। इन सभी राजनीतिक सवालों के जवाब आखिरकार 10 मार्च को मतगणना के बाद मिल ही जाएगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।